प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव को अपना नेता स्वीकार कर लिया है और सपा उनकी पार्टी है। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि उन्हें अभी तक सपा में कोई पद नहीं मिला है, यादव ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे हैं और सपा अध्यक्ष हैं। मैंने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया, उनकी तरह मैं भी सपा का विधायक हूँ। सपा मेरी पार्टी है और मैं पहले पदों पर भी रहा हूँ। सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को खाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी के लोग संघर्ष के पथ पर निकलेंगे और निश्चित है कि अब लंका जलेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का मोर्चा बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सपा अकेले उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने में सक्षम है। सपा नेता और विधायक यादव ने बुधवार की रात जिले के फेफना में संवाददाताओं से बातचीत करते समय सपा को भगवान राम और कृष्ण का अनुयायी करार दिया। उन्होंने अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने पर कहा कि वो परिवार की बहू हैं और परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक होती हैं। यादव ने वरुण गांधी के सपा में शामिल होने की अटकलों पर भी कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं तथा इनके विचारों पर चलने वाले हैं। सपा के लोग संघर्ष के पथ पर निकलेंगे और निश्चित है कि लंका जलेगी। यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य फिलहाल 2024 में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने और 2027 में उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने को लेकर सवाल किया गया कि क्या सपा को राहुल गांधी पसंद नहीं है। इस पर यादव ने कहा, राहुल गांधी को शुभकामनाएं, उनकी अलग पार्टी है। कांग्रेस की श्रीनगर रैली में शामिल होने पर दल का नेतृत्व फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।